नमस्कार एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, 3.1 में हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि व्हाट इज़ सीक्वेंस, टर्म्स इन सीक्वेंस और व्हाट इज़ एन एपी। ठीक है, तो अभी वही हमें देखना है और बताना है यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर लिखा है, मैं वापस लिख रहा हूँ, बट ठीक है। यहाँ पे उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, 2468, क्या 2468, और आगे एपी हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ़ दे आर एपी फाइंड कॉमन डिफरेंसेस। अभी कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो मैं पहले के किन से करूँगा, मैं पहले कौन से करूँगा, ये कर देता हूँ, इसके बाद ये कर देता हूँ। ठीक है, ये तो ईजी है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ वाला अभी अब खुद से कर लेना, सिक्स्थ वाला ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, सेवन्थ वाला मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये चार मैं करूँगा, ये चार आप लोग करेंगे, क्या ये चार आप लोग करेंगे। ठीक है, यस, तो 1 2 4 7 1 2 1 2 4 7। ठीक है, यस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग ऐसे सोचे कि अरे यार क्या यार, होमवर्क दे देता है, ऐसा वैसा ऐसा हम लोग को करने बोलता है, कैसा टीचर है, खुद करना चाहिए पूरा अच्छे से। देखो तुम लोग को भी खुद से प्रैक्टिस आना चाहिए, खुद से एक बार करोगे खुद पे भरोसा आएगा, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, इसके लिए खुद से करना भी ज़रूरी है। आप लोग एक बार ये समझ करके आगे एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, आपको दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है, जनवरी फरवरी में 2 बार एटलीस्ट इसका रिविज़न करना है, तब जाके आप 95 टच कर पाओगे। 95 सोचोगे तो आप 85 टच कर पाओगे मैथमेटिक्स में, समझ रहे हो, इसके लिए। और ये ऑलवेज सीन है, ठीक है, आजकल का तो रिज़ल्ट भी मैंने देखा कितना, ये 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट था, आपको एक बता रहा हूँ एनालिसिस, 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट था इसमें 50,000 से भी, मैं आपको अच्छे से एक बार ये बताऊँगा, क्या एनालिसिस बताऊँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा वैसे अच्छे से, ठीक है, पर हाँ मैं इतना बताऊंगा, 85 आएगा, 95 सोचोगे, 95 सोचोगे तो 80 आएगा, ऐसा सोचो तुम लोग, ऐसा सोच के समझो, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, यस, और आपको ये 2 बार रिवीजन करना, और ये 2 बार रिवीजन कैसे मजबूत होगा, आपको इसमें अगर आप ऐसे पढ़ोगे, लाइक अभी 4 मैंने करा दिए, 4 आप खुद से करोगे तो फिर उसके बाद आपको 1 टाइम रिवीजन वो भी इनफ हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम रिवीजन भी इनफ हो जाएगा, क्योंकि दिमाग खुद से चीज़ें सीखती है, समझे, यस। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे पढ़ो, बस इट्स इनफ, मोर देन इनफ। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, 2468 2468 चलते रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, हमें बताना है ये एपी है या नहीं, देख के तो लगता है ये एपी है, पर अभी हम लोग को जाँच पड़ताल करनी है। तो हम लोग को एपी है तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को ए पता है इसका 2 है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, वो चेकआउट करना है। तो वो क्या होता है, T2 - T1 कर सकते हैं या T3 - T2 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 = 2, 6 - 4 क्या होता है, 2 होता है, और फिर 8 - 6 वो भी 2 होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया तीनों में 2, राइट, पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस टी हर एक के लिए चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चले कि वो ए पी है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करो, डी इक्वल टू T2 - T1 करो, T2 - T1 इज 4 - 2 = 2, T3 - T2 भी करो, मैंने क्या बोला आपको समझा नहीं रहेगा, तो मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ कि हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं क्या 2468, पर यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अगर ऐसा दिया रहता 2 5 9 16 ऐसा कुछ दिया रहता तो आप क्या करते, 15 ले लो, ठीक है, तो आप क्या करते, आपको एक ही निकालते और फिर बोल देते यार वो कॉमन डिफरेंस है, देखो ना इसमें डिफरेंस अलग है, इसमें 3 है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें कितना आएगा, 6 आ रहा है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है पर ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, राइट, क्या ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक ही निकाल के शांत नहीं बैठ सकते, हम लोग को पता है तो भी हम लोग को 2-3 डिफरेंस निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 2 T3, ये टर्म 3 है हमारा और ये टर्म 2 है, राइट, तो T3 - T2 करते हैं, T3 - T2 6 - 4 = 2, T4 - T3 ये क्या है, T4 8 - 6 = 2, इस तरीके से हमें पता चल गया, हाँ भाई ये सीरीज़ है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2,
राइट, हाँ उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, टू है। ओके, इस तरीके से हमारे हमें इन सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आ गया टू। इसका मतलब क्या, यस दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन एपी, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं, है ना, दिस इज़ एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू टू, इस तरीके से आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग बॉर्डर कर देते हैं, लाइक एक डिवाइड कर सा हटा दे, अरे यार क्या बोलता है, कुछ नहीं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या है, 2 5/2 3 7/3। ओहो, देखा कैसा क्वेश्चन दिया है, कुछ डरने वाली बात नहीं, वही हमें चीज़ें करनी है यहाँ पे जो हम लोग ने अभी की थी। सबसे पहले लिखेंगे आंसर नहीं सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स में हमेशा सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है हमें टू, राइट। उसके बाद हम लोग को निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी टू माइनस टी वन। टी टू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5/2 - 2, 5 माइनस, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 5/2 है, तो यहाँ पे 5 - 2 × 2/2 पूरे के इसमें 2 आ जाएगा, राइट। हम लोग करते हैं ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एक बनाना रहेगा तब जाके सब्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए हम लोग ने ये किया, ठीक है। इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 - 4, है ना। 2 × 2 क्या होता है, ये हमारा होता है 2 × 2 क्या होता है, ये हमारा होता है 4, राइट, इज इक्वल टू 4, है ना। तो 5 - 4 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अभी हम लोग को डी निकालना है, तो वापस एक बार हम लोग करेंगे t3 - t2, ठीक है। तो t3 यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला टर्म जो है ये हमारा 3 है, 3 - 5/2, 3 - 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5/2, राइट। यहाँ पे 6 - 5 = 1/2, इस तरीके से आ गया ये भी हमारा। उसके बाद और एक हम लोग को निकालना है, t4 - t3 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो हम लोग t4 - t3, तो 7/3 - 3 कर देंगे, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस हमारा, एक मिनट, t1 t2 t3, ये सही है ना, नहीं शायद इन लोगों ने गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, या फिर मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, हाँ इन लोगों का प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। 7 माइनस देखो, क्योंकि हम लोग 7 - 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 = -, ये क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। और इसके मदद से देखा आपने, ये दो टर्म सेम आए पर ये वाला टर्म जो है ये सही नहीं आया, एग्जाम में ऐसे फंसाता है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है अपना, ये सीक्वेंस तो है, ये देखो ये वाला जो है ये सीक्वेंस तो बोला जाएगा, किसको, इसको सीक्वेंस तो बोला जाएगा, ये सीक्वेंस है, पर कैसा सीक्वेंस है, लाइक पर इसमें कोई रिलेशन नहीं है, पर मेरे को पता है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने बताया, यस डिफरेंस इज 1/2 ऐसे लिखा है आंसर में, यहाँ पे पीछे पेज नंबर 172 देख लेना एक बार, ठीक है वहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ से पता चलता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और प्रिंटिंग मिस्टेक में क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे इन लोगों ने वाइट वाइट मार्कर नहीं है क्या, एड पेन मोर कलर वाइट, ठीक है। अच्छा वाइट यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं ऐड, अरे काला ही आ रहा है, बाप रे किधर गया, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हम लोग इसको 3 कर देते हैं, ये पेन से लिख देते, लावा पेन नहीं दिख रहा है ना, इसके ऊपर ओवरराइट करता है, ये बेहतर है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या था, इन लोगों ने 7/2 लिखना चाहिए था, ठीक है। जब ये 7/2 होगा, बाप रे, ये जब यहाँ पे 7/2 होगा तब 7 माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरफ चले जाएगा, ठीक है, और पूरे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6, और हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 - 6 = 1/2, ये जो 3 है इसको भी 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 1/2, यस। और हम लोग को पता चला फ्रॉम दिस, यस दिस इज एन ए पी विथ डी इक्वल टू 1/2, क्या डी इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला था, फोर्थ वाला प्रॉब्लम करेंगे। फोर्थ वाला जो हमारा प्रॉब्लम है, एक लाइन मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम है उसका देखते हैं हम लोग क्या है। फोर्थ में जो 0.3, 0.33, ठीक है,
0.3, 0.33, फिर 0.333 ऐसा कुछ है क्या? एक मिनट इधर ही, हाँ 0.3, 0.3, 0.33, 0.333, 0.3, 0.33, 0.333 ऐसा हम लोग को दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें बताना है कि ये हमारा एपीआई है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो एक जैसे हम लोग को टेक्स्टबुक में लिखना है, लाइक जैसे एग्ज़ाम में लिखना है वैसे बताऊँगा। फ्रॉम दी गिवन सीक्वेंस, ठीक है, आगे ऐसा भी है, ठीक है, फ्रॉम दी गिवन सीक्वेंस वी नो दैट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है हमारा 0.3, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ये तो वेकम फाकी है, सब लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये जो है इसको इरेज करके नीचे अच्छे से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू टी वन इक्वल टू 0.3, ठीक है, यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टी टू माइनस टी वन कर रहे हैं ना। नाउ इफ दिस इज एन ए पी देन द कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी विल बी सेम, क्या विल बी, यहाँ पे लिखते हैं विल बी सेम, दैट इज़ कैसे लिखते हैं हम लोग, आई डॉट ई, दैट इज़ डी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, ठीक है, इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री, ठीक है, डॉट 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 ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे देयरफोर, यहाँ पे देयरफोर लिखेंगे, डी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन करेंगे। टी टू क्या है हमारा, यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये हमारा टी टू है, ये टी वन है और ये टी थ्री है, राइट। तो अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू, टी टू क्या है यहाँ पे 0.33 माइनस 0.3, 0.33 माइनस 0.3 करो आपको आंसर मिल जाएगा 0.03। देखो ना यार, 0.33 माइनस 0.3, यहाँ पे देखो ये ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो 3 माइनस 0 इज 3, 3 3 गया 0.0, ठीक है, आ गया इस तरीके से। बहुत सिंपल है, डरना नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन हर कोई कर लेता है, बस देखने में खतरनाक रहता है, ठीक है, आप लोग भी कर लोगे। अभी यहाँ पे टी थ्री माइनस टी टू करेंगे, अरे यार हाँ टी थ्री माइनस टी टू करेंगे तो ये क्या है हमारा 0.333 है माइनस 0.33, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो 0.333 माइनस 0.33 कुछ नहीं आ गया, तो मतलब ज़ीरो है, राइट। तो ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0.0 आ गया, राइट। पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये देखो, इसमें ये पहला हमें मिला, ये दूसरा हमें मिला, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है 0.03, ये जो है ये इज़ नॉट इक्वल टू 0.003, राइट। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे किया था ना, ये वाला यहाँ पे जो किया था दोनों, वो आपको साइड में दिखाना है, तो वो दिखाना है, ठीक है, कंपलसरी वो दिखाना है, मतलब दिखाना है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हियर वी गॉट टू नो, हियर फ्रॉम दिस, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम दिस, आप इस चाहे तो इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू भी नाम दे सकते हो, फ्रॉम दिस के बदले फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट टू नो दैट टी टू माइनस टी वन इज नॉट इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, राइट। देयरफोर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफोर दिस इज नॉट एन ए पी, ठीक है। ऐसे टाइप के सम्स को ऐसे निपटाना है आप लोगों को, आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोगों को इंग्लिश भी बहुत अच्छे खासी आती है, जो मैथ्स में यूज़ होती है वो वाली, ठीक है, यस, जो मैथ्स में यूज़ होती है वही वाली, हाँ यस, ठीक है।
ये हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग कौन सा करने वाले थे, 7 3 प्लस 3 3 प्लस। ओके, तो अभी हम लोग के पास जो है वो 7th वाला सम हमें करना है। तो उसमें हम लोग को क्या बोला है, सीक्वेंस क्या है, 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इतना ही दिया हुआ है, इसके ज़्यादा तो नहीं दिया रहेगा। वो तो देख के ही पता चल जा रहा है हम लोग को ए पी है। ठीक है, नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आपको भी पता चल जाएगा कैसे देखना रहता है। ठीक है, तो अभी बहुत लोग ऐसा देख के, अरे बाप रे रूट आ गया, अभी कैसे करेंगे, भागो भागो भागो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3। वी नो इसमें टर्म्स क्या रहता है, T1 T2 T3 T4, ठीक है, T5। ये हम लोग ने टर्म को नाम दे दिया, चाहिए तो ऐसा दे सकते हैं, नहीं देना है मत देना। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है कॉमन डिफरेंस निकालता है, ये देखना भाई, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एग्जाम के लास्ट दिन काम आ जाएगा। ठीक है, ले लो जल्दी फटाफट, ले लिया, वेरी गुड। ये तो अभी मैं हम लोग इसको रैपिड तरीके से करेंगे हमारे फटाफट एकदम। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग को पता है T2 माइनस T1 होता है, T3 माइनस T2 होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1 कर लेते हैं पहले। T2 क्या है हमारे पास, 3 प्लस रूट 2, और हमारे पास T1 क्या है, -3 है, राइट, -3 है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 कर दिया है ना, तो आ गया हमारे पास रूट 2। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद हमें पता है D इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है, तो T3 यहाँ पे क्या है, T3 हमारा ये है 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2, राइट। और हमारे पास अभी सब्ट्रैक्ट करना है T2 को, तो सबसे पहले ब्रैकेट डालना है, जब दो टर्म हो तब हमें ब्रैकेट डाल देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 2, T2 लिख दिया। अभी बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस साइन सिर्फ इसी को 3 को देते हैं, और माइनस साइन आगे हमारे 2 को देते ही नहीं है, इसको कहते हैं गधे लोग, है ना। और फिर बहुत लोग क्या करेंगे, ये ऐसा लिख देंगे, कैसे, 3 प्लस 3 रूट 2, -3 प्लस रूट 2, ऐसा लिख देते हैं बहुत लोग। ये घाई नहीं करने का, हमेशा आप लोगों को माइनस दोनों को देना है, ये याद रखने का। एक सबसे बेस्ट चीज़ याद रखो, जब ऐसे दो टर्म आए प्लस में माइनस में, तो आप लोग उनको क्या कर दो, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, यस, ओके। तो ये हो गया, हम लोग ने T3 माइनस T2 कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट खोल दिया। यहाँ पे अभी ब्रैकेट खोलना है, जब माइनस है तो ये माइनस इसके पास भी जाएगा, माइनस इसके पास भी जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो -3 माइनस रूट 2, राइट। तो अभी बढ़ते हैं आगे हम लोग, ये 3 गया, ये 3 गया, सही बात है, यस। एक मिनट, 3 प्लस 2 रूट 2, बाप रे, देखा क्या मिस्टेक किया मैंने, 3 प्लस 2 रूट 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 -3 माइनस रूट 2। तो अभी 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो दो D इक्वल टू √2, इतना ही दिया था, ये वाला टर्म दिया नहीं था, T5 फिर भी मैंने लिख दिया, बट कोई नहीं, हम लोग इसको भी कर सकते हैं, पर खुद से कर लेना। और हमें यहाँ पे पता है कि ये यहाँ PS, दिस इज़ एन AP, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, पेज नंबर 172 खोल दो भाई, पे 7th वाला, यस। और हमें हाँ यहाँ पे हाँ D इक्वल टू √2 आ गया, इस तरीके से हमारा आंसर। उसके बाद ये क्या कर दिया मैंने, हाँ उसके यहाँ पे है ना, यस। उसके बाद हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग वापस एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस चीज़ को, कहाँ गया रे, ये वाला है, क्या हुआ, ये वाला जो है हम लोग यहाँ पे इसको लेके आते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकंड वाला प्रॉब्लम करेंगे, रुक जाओ, सेकंड वाला प्रॉब्लम करता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें देखो, मैं फर्स्ट वाला करूँगा,
देखो मैं फर्स्ट वाला करूँगा, फिर उसके बाद हम कौन सा करेंगे हम लोग, सेकंड वाला तो भाई लानत होगी मेरे पे अगर मैं सेकंड वाला कर लिया तो है ना, कर देना यार, सेकंड वाला तो इजी है, कुछ भी नहीं है सेकंड वाले में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला करने के बाद हम लोग कर लेंगे थोड़ा टफ वाला, कौन सा, अरे क्या यार, फोर्थ वाला कर लेंगे, ठीक है। खुश रहो, कोई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को करना चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, मैं कम्युनिटी में उसका आंसर डाल दूंगा, ओके। और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर चाहिए रहेगा तो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आजकल तो सारे गाइड्स ऑनलाइन अवेलेबल है ही, आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप देख लेना, या फिर आप पूछ भी सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 5, बनाओ ए पी। ए पी बनाना है, ए पी बनाने के लिए हम लोग को पता है हमारा जो ए है वो 10 होता है, और ए 10 है, सॉरी ए 10 नहीं होता है हमेशा, ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और वो है यहाँ पे 10, कितना है यहाँ पे 10 है। तो हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू 10 हम लोग को दिया हुआ है, राइट। और हम लोग को पता है T2 - T1, T3 - T2 ये यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग को एक सीरीज़ नहीं दी हुई है एपी की, क्या एपी की एक सीरीज़ नहीं दी हुई है, दी हुई है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो ए इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला 10 लिख देंगे, और हमें पता है कॉमन डिफरेंस 5 है, और फिर हम लोग क्या करेंगे 10 कर देंगे, फिर 10 में 5 ऐड कर देंगे। तो सीरीज़ को भी नाम, सीक्वेंस को नाम देना पड़ेगा, तो सीक्वेंस का नाम हम लोग दे देते हैं ए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा कि लेट द नेम ऑफ सीरीज बी, नेम ऑफ सीरीज बी ए, ठीक है। लेट द नेम ऑफ सीरीज बी ए, इस तरीके से लिख दिया। फिर हम लोग को एक ए नाम दे के इसको लिख दो ए इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या लिखोगे अभी, ए इक्वल टू 10, फिर कॉमन डिफरेंस आता है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस को कैसे करना है, इसमें ऐड कर देंगे 15, 20, 25, चलते रहेगा चलते रहेगा, बस इतना लिख दोगे बहुत हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे, यहाँ पे लिखते हैं आगे, एक मिनट भाई चल क्यों नहीं रहा, हाँ यहाँ पे करते हैं सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड वाला प्रॉब्लम जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड नहीं थर्ड, ठीक है। थर्ड में हम लोग को क्या दिया है, ए इक्वल टू -7 दिया हुआ है, और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, राइट। तो ए हम लोग को, तो हम लोग ए इक्वल टू सीरीज का नाम देते हैं अभी बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7, -7 में +2 ऐड कर देंगे, -7 +1/2, -7 + 1/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब 1/2 क्या होता है हमारा, -1/2 होता है, राइट, -0.5 होता है, सॉरी 1/2 इक्वल टू 0.5 होता है। तो -7 -0.5 6.5 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6.5। अभी आप आगे खुद से लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कर दो, -6 -5.5 -5, आगे बढ़ते रहो, या फिर आपको मन नहीं आप लिखना चाहते हो -+1/2, ऐसे भी लिख सकते हो, पर रिस्क नहीं लेना है, बोर्ड एग्जामिनर के मूड के ऊपर आपका मार्क्स डिपेंड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ वाले के साथ, अभी हम लोग किताबी तरीका देखते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू 1.25, ठीक है, और डी इक्वल टू 3, हमें पता है ए इक्वल टू 1.25 है, ठीक है। तो डी हम लोग को 3 ऐड करना है, ठीक है। तो और हमें दिया हुआ है डी इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू, ये किताबी नहीं हो गया पर ठीक है, बाद में बता दूंगा आपको किताबी मेथड वन शॉट में, ठीक है, या फिर अगले लेक्चर में एक सम करने से पहले आपको बता दूंगा, ठीक है, या फिर आप खुद से ही लिख सकते हो यार, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ने एक्स नाम देते हैं सीरीज को, इस एक्स इक्वल टू 1.25, इसमें क्या हो जाएगा, 1.25 +3 कितना होता है, 4.25 हो जाएगा, 4.25, चलो देखो बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.3 +1.25 लिख देंगे, राइट, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद नहीं सॉरी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1.25 + 3 लिख देंगे, 1.25
प्लस थ्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका ऐड करके यहाँ पे आगे लिखना है 4.25, और फिर उसके बाद हम लोग को लिखना है जो कॉमन डिफरेंस है वो 3, फिर इन दोनों को ऐड करो 7.25 आएगा आंसर, फिर इसमें 7.25 प्लस 3, इस तरीके से हम लोग को एक किताबी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो है एक्स वो ये हो जाएगा 1.25 कॉमा 4.25 कॉमा 7.25 कॉमा 7, 8, 9, 10 10.25, और आगे चलते रहेगा यहाँ पे भी चलते रहेगा ऐसा लिखना आपको सीरीज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सेकंड जो क्वेश्चन था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके साथ, अरे बाप रे, कंट्रोल वी, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये आ जा, थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मेरा मोबाइल किधर गया, चार्जिंग पे लगा देता हूँ, चार्जिंग नहीं है इसमें। यस पापा का फ़ोन आके गया, बाप रे। पापा को मैसेज कर दिया वरना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी, ठीक है। 5 = 1 - 3 - 7 ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लिखते हैं 5, 1 - 3 - 7। हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो सबको भाई बच्चा भी बता देगा, अभी मैं बाजू से कोई एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को लेके वो भी बता देगा। अगर तुम फर्स्ट टर्म नहीं बता पा रहे हो, तुमसे सबसे बड़ा बेशरम आदमी कोई नहीं है दुनिया में, सच में। a = 5 अभी तक, मतलब डायरेक्ट इस वीडियो पे आके मेरे से ये सुन रहे हो तो भाई मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। पर हाँ, अगर तुम दो लेक्चर पहले देख के आ रहे हो ना, तो तुमको पता ही रहेगा फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, ठीक है। तो अभी d = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ने a = 5 निकाल दिया। सबसे पहले लिखना रहता है सॉल्यूशन, ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद a = फर्स्ट टर्म a = 5 मिल गया हम लोग को। उसके बाद हमारे पास d = क्या निकलने का है हम लोग को, d कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 - t1, ठीक है। तो t2 क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे t1 क्या है, 5, तो -5, तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे d = t3 - t2, ये ap है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें सेम ही रहेगा, तो अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं कब से, ठीक है। तो यहाँ पे t3 क्या है, -3, ठीक है, -3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, -4। फिर उसके बाद d = t4 - t3 निकालेंगे, t4 - t3 टर्म 4 क्या है, -7, ठीक है, माइनस, और अभी t3 कर देंगे -3। बहुत लोग क्या करते हैं गलती, यहाँ पे -7 - 3 ऐसा लिख देते हैं, और ये -11 हो जाता है, ठीक है, -10 हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो -7 - 3 होता है +3, ये आ गया -4। आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे ये एपी है, ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है एपी है, तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, ओके जी। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले के साथ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, ठीक है। ये हमें एपी दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। इसमें जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, a = 0.6। उसके बाद हमारा जो सीक्वेंस है, अभी हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस t2 - t1 = t2 क्या है, अभी 0.9 - 0.6 इक्वल टू, ठीक है, अभी एक साथ ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। t2 - t1 = t3 - t2 = t4 - t3, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ नीचे t2 - t1 क्या होता है, t2 - t1 हमारा, मार्कर चेंज कर लेता है, हाँ ये यूज़ नहीं किया कब से, ये क्या होता है हमारा
ये क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, 0.9 माइनस 0.6, राइट, 0.9 माइनस 0.6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी थ्री माइनस टी टू हो जाएगा हमारा 1.2 माइनस 0.9, ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस 1.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 इक्वल टू 0.3 इक्वल टू 0.3, तो यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू 0.3, और ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, ठीक है। अभी एकदम किताबी तरीका बताऊँगा आपको कैसे करना है। हम लोग को अभी क्या बताया दिया है, हाँ थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड, ओके, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में हम थर्ड जो है हमारा बोता हुआ बोला हुआ है कि 127 135 143 151, ठीक है। यस, ये हम लोग को क्या हुआ है, बताया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, और ये आगे चलता रहेगा, ये भी बताया हुआ है, ठीक है, इतना यहाँ पे आके नहीं रुकता है, ओके। तो अभी हम लोग को पता है सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है सबसे पहले, सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दी वी नो दी क्या बोलते हैं, वी नो दी अबाव सीक्वेंस इज एन ए पी, वी नो दैट दी अबाव सीक्वेंस इज एन ए पी, वॉट इज इट, इट इज एन ए पी, ठीक है, इट इज एन ए पी, फुल स्टॉप डाल देना है, इट इज एन ए पी। नाउ इन एन ए पी ऑल्सो वी नो इन एन ए पी वी गेट फर्स्ट टर्म डेट इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डेट इज डी, है ना, वी गेट टू नो फर्स्ट टर्म डेट इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डेट इज डी, हम लोग को ये चीज़ें मिलती है, राइट, यस। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिले, सो ऑल्सो वी नो इन एन ए पी वी गेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, देयर फोर यहाँ पे फर्स्ट टर्म, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, लेट द गिवन ए पी बी डिनोटेड बाय ए, और ए इक्वल टू 127 135 143 151, जे में हम लोग ऐसे करते थे 151, और फिर आगे चलते जाता था, ठीक है, आपको ऐसा करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है, यस, ओके। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद फ्रॉम दिस आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस वी गेट टू नो ए इक्वल टू 127, ठीक है, क्या ए इक्वल टू 127 विच इज़ फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, ऐसे ब्रैकेट में लिख देने का चलेगा, विच इज़ फर्स्ट टर्म पूरा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास, जितना भर सकते हो पेपर उतना भरने का, ठीक है, यस, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकल गया, उसके बाद नाउ वी नो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन एन ए पी इज गिवन बाय टी एन प्लस वन माइनस टी एन, ऐसा लिख रहे हो, टी एन प्लस वन माइनस टी एन ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू टी फोर माइनस टी थ्री, ऐसा लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है, पर ये लिखो t2 माइनस t1 लिखना है, लिख दो चलेगा, आपको tn+1 tn नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, t2 माइनस t1 लिख दो चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट, ये तो हम लोग को क्या मिला, d इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2 इक्वल टू t4 माइनस t3। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, फटाफट आपको ख़त्म करना है पेपर, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट अपना के डायरेक्ट t2 माइनस t1 कर दो, 135 माइनस 127 कितना होता है, अब ये मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है, व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द आंसर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या, अभी बहुत लोग रोएंगे, यार आपने बताया नहीं आपको इतना मैथ्स भी आता नहीं है क्या, चलो भाई लिख दिया तुम्हारे तसल्ली के लिए, ठीक है, अभी
लिख दिया, खुद से देख लेना, ऐसा कोई बहरा तो बैठा नहीं है ना यहाँ पे, ले कोई अंधा तो लेक्चर नहीं देख रहा जिसको उसको आंसर दिखे ना, ठीक है, बोलना ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, तो तुम खुद से देख लो कष्ट करके, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये जो है कौन सा गया कहाँ पे गया, हाँ ये जो है आज ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेट्स थिंक देखते हैं क्या है। ए पी सो व्हाट इज द 100 तंग चेक वेदर 92 टर्म 60, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग ये सब क्या करेंगे आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 3.1 का गेम ओवर, क्या प्रैक्टिस सेट 3.1 का गेम क्या कर दिया, ओवर कर दिया, राइट। यस, प्रैक्टिस सेट 3.1 का हम लोगों ने गेम ओवर कर दिया। और इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टाटा।